मुसीबत ता मर्दा ते पैंदी रहिंदी है, दबी ना तू दुनिया स्वाद लैंदी है नाले जड़े। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए रीवा इतवारी ट्रेन, पूरी जोधपुर ट्रेन, झारसुगड़ा गोंदिया मेमू पैसेंजर ट्रेन, इनकी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आप सभी को अवगत कराते चलें कि रेल प्रशासन की ओर से यात्रियों की मांग व उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर गुजरने वाली दो ट्रेनों का अस्थायी ठहराव की सुविधा दी गई है। कामटी रेलवे स्टेशन में गाड़ी संख्या 11754 11753 रीवा इतवारी रीवा एक्सप्रेस ट्रेन रुकेगी। इनके अलावा दूसरी जो ट्रेन है वो है गाड़ी संख्या 20813 20815। पूरी जोधपुर पूरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन भी रुकेगी, यानी कि रीवा इतवारी ट्रेन और पूरी जोधपुर ट्रेन। कामटी रेलवे स्टेशन में इस ट्रेन का अस्थायी ठहराव 6 महीने के लिए दिया गया है। अगर 6 महीने तक रिस्पांस अच्छा आएगा तो ये ट्रेनें आगे भी रुकेंगी, अगर रिस्पांस अच्छा नहीं आएगा तो ये ट्रेनें नहीं रुकेंगी। आपको बता दें चलें कि 27 नवंबर को रीवा से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 11754 रीवा इतवारी एक्सप्रेस ट्रेन कामटी रेलवे स्टेशन में सुबह सुबह 6:45 पर पहुंचेगी और 2 मिनट रुकेगी और 6:47 पर रवाना हो जाएगी। वहीं 26 नवंबर को इतवारी से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 11753 इतवारी रीवा एक्सप्रेस ट्रेन कामटी रेलवे स्टेशन में शाम को 7:14 पे आएगी और 7:16 पे रवाना हो जाएगी। वहीं अगली जो ट्रेन है गाड़ी संख्या 20813 पूरी जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, ये ट्रेन 29 नवंबर से कामटी रेलवे स्टेशन में 10:05 पर पहुँचेगी सुबह सुबह और 10:07 पर रवाना हो जाएगी। वहीं 25 नवंबर को जोधपुर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 20814 जोधपुर पूरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन कामटी रेलवे स्टेशन में दोपहर में 3:02 पर आएगी और 3:04 पर रवाना हो जाएगी। वहीं रेल यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 1 दिसंबर से गाड़ी संख्या 08862 झारसुगड़ा गोंदिया मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन की समय सारणी में आंशिक परिवर्तन कर दिया है। शाम को 5:10 पर ये ट्रेन रायपुर आया करती थी, लेकिन अब ये ट्रेन शाम को 5:30 पर रायपुर आएगी और 10 मिनट रुकेगी और 5:40 पर रायपुर से रवाना होगी। वहीं भिलाई रेलवे स्टेशन में पहुंचने का समय इस ट्रेन का पहले शाम को 5:50 पर था, लेकिन अब ये ट्रेन 6:09 पर पहुंचेगी। इनके अलावा शाम को 6:11 पर भिलाई रेलवे स्टेशन से रवाना हो जाएगी। ऐसे ही ये ट्रेन दुर्ग में शाम को 6:20 की जगह शाम को 6:40 पर अब पहुंचेगी और 6:45 पर रवाना हो जाएगी। वहीं गोंदिया में ये ट्रेन गाड़ी संख्या 08862 झारसुगड़ा गोंदिया मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन, पहले ये ट्रेन गोंदिया में 9:20 पर पहुंचा करती थी, लेकिन अब ये ट्रेन 9:45 पर पहुंचेगी। इनके अलावा यात्रियों की मांग तो ये भी है कि अंबिकापुर से बारवाटी के बीच एक नई रेलवे लाइन को बनाया जाए, अंबिकापुर से रेणुकूट के बीच एक नई रेल लाइन बनाई जाए, मंडला फोर्ट डिंडोरी शहडोल नई रेल लाइन को बनाया जाए, रामटेक सिवनी शिकारा नई रेल लाइन बनाई जाए। इनके अलावा जबलपुर नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा होते हुए नागपुर होकर ट्रेनों को भी चलाया जाए। इनके अलावा रीवा एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन नई चलाई जाए जो कि वाया सतना कटनी जबलपुर नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा नागपुर वारधा अकोला भुसावर मनमाड़ दौंड पुणे लोनावला कल्याण पनवेल रत्नागिरी मड़गांव गोवा होते हुए ये ट्रेन एर्नाकुलम की ओर जाए। इनके अलावा रीवा से मैसूर के बीच में नई ट्रेन को चलाया जाए जो कि वाया सतना कटनी जबलपुर नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा बलहरसा काजीपेट हैदराबाद गढ़वाल रेणुगुंटा अरकोणम कटपड़ी होते हुए यह ट्रेन बेंगलुरु जाए। ये जो हमने आपको रेलवे लाइन बताई है और जो नई ट्रेन बताई है आपको, इसकी एक अलग से वीडियो बहुत ही जल्द हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को देखने को मिलेगी। तो फिलहाल आप सभी जुड़े रहिए हमसे हमारे YouTube चैनल द रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो फिलहाल जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आती वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में, बाय बाय।